हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी सितंबर में एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं। हमें से बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल किया है कि सर, हमारा ट्रिपल सी का एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाला है और हमारा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा आप सब जानते हैं, जब भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम होते हैं, संभवतः फर्स्ट वीक में ही कराए जाते हैं, बट कई बार एग्ज़ाम थोड़ा डिले भी हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होना है, ये किस डेट से हो सकता है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जब भी कोई नाइलेट की तरफ से नोटिफिकेशन देना होता है, वो इसी वेबसाइट पर आपको मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, student.nilet.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर एडमिट कार्ड में भी आ सकते हैं, और जब भी आपके एडमिट कार्ड आते हैं, उसकी जानकारी इस सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। जैसे आप देखो, यहाँ पर अगस्त एग्ज़ाम के लिए बताया गया है कि अगस्त के जो एग्ज़ाम हैं उनके एडमिट कार्ड कब से निकलेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से सितंबर के जब एडमिट कार्ड आएंगे, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा, आप सब चेक करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पर जा सकते हैं और यहाँ से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अगस्त का दिखा रहा है, यानी सितंबर का भी यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आप का जो ये एडमिट कार्ड है वो कब तक आ सकता है और एग्ज़ाम किस डेट से समाप्त हो सकता है। तो देखिए, वैसे एग्ज़ाम हमेशा फर्स्ट वीक में होते हैं, और नियम ये है कि फर्स्ट वीक में जो पहला सैटरडे पड़ेगा, मंथ का पहला सैटरडे जो होगा, उसी दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। बट ऐसा अब हो पाता नहीं है, लेकिन लगभग मैं आप ये मान के चलिए कि 3-4 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, है ना। अगर आप देखेंगे जो आपका सितंबर है, इसमें सैटरडे किस डेट को पड़ रहा है, तो सैटरडे आपका होगा 2 सितंबर को। तो आप मान के चलो कि 2, 3, 4, है ना, इस डेट से लगभग आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि 2 तारीख से ही शुरू हो जाए, बट पॉसिबिलिटी है कि 2-3 में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होगा। ओके, तो लगभग आप वही फर्स्ट वीक का मतलब 7-6-7 तक आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, 2 या 3 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है इस बार सितंबर का। ओके, चलिए, तो ये तो बात होगी सितंबर के एग्ज़ाम की। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अभी से कि सर, मेरा अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो कब स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर का भी आप देख लो, अक्टूबर में देखोगे तो पहला सैटरडे का पड़ेगा, पहला सैटरडे आपका 7 को पड़ेगा, है ना। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका 7 या 8 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो जो पहला सैटरडे होता है, उसी के आसपास से एग्ज़ाम अब शुरू होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 को पड़ेगा पहला सैटरडे, तो 7 से स्टार्ट हो सकता है, 8 से स्टार्ट हो सकता है, 6 से स्टार्ट हो सकता है, इसी के आसपास से स्टार्ट हो सकता है। और कभी हो सकता है ऐसा रेयर केस में कि 2-3 में भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब ऐसा कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता है। जैसा मैंने बोला कि नियम तो ये है कि पहला सैटरडे को एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। कई कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो 2nd वीक में, 3rd वीक में भी कराए गए हैं। ओके, और हमने ये भी बता दिया कि आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर। जो भी बच्चे सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप सभी अक्टूबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सब के लिए हमने अपने एप्लीकेशन पर बैच भी लॉन्च किया है। जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, आप सभी अभी इस बैच को मात्र 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ़र दोबारा से आ गया है, और ये अब ऑफ़र रहेगा 27 अगस्त तक। तो 27 अगस्त तक आप इस बैच को 349 में ले सकते हैं। इसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ाते हैं। लाइव क्लास यहाँ पर शाम 6 बजे आपकी चलेगी। और ट्रिपल सी का जो सितंबर का बैच है, फतेह बैच 9.0, इसमें लगभग कोर्स सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी 349 में इस बैच को भी ले सकते हैं। 27 अगस्त तक यहाँ पर भी ऑफ़र रहेगा, इसके बाद 450 का हो जाएगा। और इसमें सारा क्लास आपको अब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आप बहुत ही इजीली सभी क्लास रिकॉर्डेड आसानी से देख सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी आपके 3 माह की होने वाली है। ओके, तो ये बैच बहुत ही शानदार है। आप यहाँ पर जितना भी कंटेंट दिया गया है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो निश्चित आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है CCC BY-FHRD और इसे डाउनलोड करके आप यहां पर रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद में लॉगिन करके आप बैच में आ सकते हैं और पेड कोर्स पर आपको जाना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर CCC का सेक्शन मिलेगा, जहां से आप सेप्टेम्बर या अक्टूबर का बैच बाय कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, वहां से पेमेंट करोगे तो आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी PDF नोट्स हैं यहाँ पे ईबुक दिए गए हैं, वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि सितंबर का एग्ज़ाम कब से है और अक्टूबर का एग्ज़ाम कब से है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सवाल करें कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से लगभग 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। 1 वीक पहले लगभग मान लो कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अभी तो आपके आए नहीं हैं, बट जैसे ही आएंगे उसकी जानकारी भी आप सबको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।